हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज अभी 31 दिसंबर 2021, तो हमने एक साल वेस्ट कर लिया है। अभी मैं अपने गार्डन में बैठा हुआ हूँ और यहाँ से भी कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे कि अभी ये ड्राई वाई लगी हुई है ना, तो इसके बीच में छोटी छोटी सी घास लगी हुई है, घास जमी हुई है। तो ये हमारी लाइफ के ना ऑब्स्टिकल्स होते हैं जिनको हमें साइड करके आगे बढ़ना होता है। तो ये जो न्यू ईयर वाला टाइम है, इसमें हमें बहुत लोगों को थैंक यू कहना है, बहुत लोगों को सॉरी कहना है, सॉरी उन लोगों को कहना है कि जिनका मैंने दिल दुखाया है, और थैंक यू मुझे आप लोगों का कहना है कि आप लोगों ने मुझे पूरे साल सपोर्ट किया है, और ये जो सपोर्ट है ना 2022 में बहुत सारा आगे जाने वाला है। तो आप लोगों ने जिनका भी दिल दुखाया है, उनको लास्ट बार सॉरी बोल दो। तो मेरी ऐसी पर्सनली सोच है कि मेरा जो डे स्टार्ट होना चाहिए वो भगवान के नाम से स्टार्ट होना चाहिए, और जो डे एंड होना चाहिए वो भगवान के नाम से एंड होना चाहिए। तो वैसे ही हमारा कुछ न्यू ईयर का भी प्लान होने वाला है। जो हमारा न्यू ईयर खत्म होने वाला है ना, वो भगवान के नाम के साथ ही एंड होने वाला है। इसलिए मैं कहीं पे जाने वाला हूँ और आपको दर्शन कराने वाला हूँ। तो अभी मैं रामनगर आ चुका हूँ और अभी हम जाने वाले हैं रामनगर से होते हुए छोई में, जहाँ पे कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा महावीर यानी कि हनुमान टेम्पल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम महावीर जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद मैं शायद एक होटल में जाऊँगा, और जो हमारा शाम का डिनर और न्यू ईयर पार्टी होने वाली है एक होटल में होने वाली है। तो वहाँ पे हम पूरी फैमिली जाने वाले हैं। और 2021 ने हमें ये भी सिखाया कि हमारी जो फैमिली होती है वो ना कितनी इम्पोर्टेंट होती है। तो इसलिए मैंने इस बार सोचा कि जो मेरा कीमती टाइम है वो मुझे अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना है। तो ये वाला जो न्यू ईयर वाला टाइम है ना, वो मेरी फैमिली के लिए है। तो दिल्ली की धूप को छोड़ छाड़ के हम आ चुके हैं जी प्यारी सी धूप सेकने के लिए। तो थोड़ी देर अभी हम धूप सेक रहे हैं। तो धूप सेक रहे हैं हमारे साथ मैडम जी, हमारी दादी जी, और सामने बैठी है मम्मी जी। तो इनको तो रोज धूप मिली जाती है, हमको इतनी प्यारी धूप मिलती नहीं है। वैसे भी ऑफिस के अंदर बैठ बैठ के तो धूप कहाँ मिलने वाली है। तो अभी थोड़ी सी धूप सेकते हैं और उसके बाद जाएंगे मंदिर। तो शाम का जो प्लान है हमारा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसीलिए इन्होंने अपने बालों पे जो है कि मेहंदी वेंदी लगा रखी है, और मम्मी ने अभी लगाई नहीं है मेहंदी, तो मम्मी भी अभी लगाएगी मेहंदी। पापा ने बोला है कि बिल्कुल बन ठन के आना, वहाँ पे होटल में जाना है हमें। तो देखते हैं फिर कैसे कैसे बन के जाते हैं, हम तो जैसे हैं वैसे बन के जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले मंदिर जाते हैं और दिखाते हैं आपको रामनगर से होते हुए जाएंगे। आराम से शाम तक हमारे पास टाइम है, आराम से तो घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या। तो अभी दादी और मम्मी तो रहने वाले हैं जी घर पे, क्योंकि इनको शाम को पार्टी में जाना है। तो पार्टी में जाने के लिए नहीं तो थक जाएंगे। तो अभी मैं और रिंकू जा रहे हैं। तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये घर पे रहेंगे अभी। तो हम अभी हम थोड़ा घूम के आते हैं और फिर शाम को घूमने के लिए। तो थोड़ी दूर चलते ही रिंकू की गाड़ी का तेल जो है कि खत्म हो गया है। तो यहाँ पे हमको मिल गया था तेल थोड़ा सा। तो यहाँ पे है जी प्राचीन भूमिया से मंदिर, वह है धनपुर गुसाई, और थोड़ा सा आगे ही हमारा घर है। तो यहाँ मैं पहले जब लॉकडाउन लगा था ना, इधर हम जाते थे मॉर्निंग वॉक करने के लिए, और यहाँ हम जाएंगे भी। कोशी बैराज रामनगर में
नीचे खताड़ी से और चुंगी तक तो भाई साहब इतना जाम लग रहा था ना, पता नहीं क्यों लगा हुआ था। शायद कल मोदी जी आए हुए थे यहाँ हल्द्वानी में, तो इसकी वजह से अभी शायद इधर उधर ही होंगे वो, तो इसलिए जाम लगा हुआ है। और अभी जो यहाँ का मौसम है ना यार, देखो कितना औसम हो रखा है, और आई होप कि कल भी ऐसा ही मौसम रहने वाला है, क्योंकि कल भी हम आगे जाने वाले हैं। अभी मैं कोशिश करूंगा कि रामनगर में दोबारा जाऊं, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करनी है, तो देखूंगा अगर जाम नहीं मिला तो फिर तो जाने वाले ही हैं जरूर। यहाँ से अभी अराउंड 7 किलोमीटर की जर्नी हमें और करनी है, यहाँ से हमें सीधा जाना है। जो ये आपको पुल दिख रहा है ना, तो यहाँ पे आप बड़े बड़े वाहन नहीं आते हैं, थोड़े थोड़े से आते हैं। यहाँ पे आपको अभी भीड़ भी नहीं दिखने वाली, क्योंकि यहाँ पे जो भीड़ होती है ना वो होती है शाम को। थोड़े थोड़े से लोग जो कि बाहर से आ रखे होंगे वो यहाँ पे नदी में है, नदी का मजा ले रहे हैं। और ऊपर नैनीताल में तो बर्फ भी पड़ चुकी है, तो अगर आपको आना है तो आप आ सकते हो। हमारे गांव में भी पड़ चुकी है बर्फ, पर हमारा गांव बहुत दूर है तो वहां पे अभी नहीं जा रहा, तो एक दो दिन यहीं पे रहने वाले हैं। तो ये जो लेफ्ट को रास्ता जा रहा है ना, ये जा रहा है सीतावनी पाटकोट, और अभी हम जा रहे हैं सीधा हल्द्वानी की तरफ। अराउंड 7 किलोमीटर पे हमें मिल जाएगा हमारे बालाजी का मंदिर। अभी हम पहुंच गए हैं अंजनी ग्राम छोई में, हनुमान धाम में। तो यहाँ पे जो मंदिर है अभी बंद हो रखा है अराउंड 1 घंटे के लिए, तो हमारे पास अभी आधा घंटा, 1 बजे से 2 बजे तक जो मंदिर है ना वो बंद रहता है, ठीक है। तो उसके बीच में यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रखे हैं, क्योंकि 31st है, 31st पे यहाँ पे ना बहुत ही सारे लोग आ रखे हैं। तो भैया मंदिर में जाने से पहले आपको प्रसाद वगैरह लेना होता है, तो प्रसाद के लिए हमारे पास बहुत सारी दुकानें हैं, इधर बहुत सारी दुकानें हैं, उधर बहुत सारी दुकानें हैं। पार्किंग के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे स्पेस है। अगर आप देख पा रहे हो ना कितनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं, उधर ऑटोस लगे हुए हैं, बहुत सारी भीड़ यहाँ पे। और कल तो यहाँ पे बहुत सारी और भीड़ होने वाली, क्योंकि कल है न्यू ईयर, तो न्यू ईयर पे यहाँ पे बहुत सारी भीड़। मैं ऐसा एज्यूम नहीं कर रहा था कि आज यहाँ पे भीड़ होगी, बट आज भी यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है। तो 2 बजने में मात्र 5 मिनट रह गए हैं और सब लोग आने लग गए हैं मंदिर में, वहाँ पे लाइन लगने लगी है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे भी ना लाइन पे लग जाना चाहिए, क्योंकि मुझे भूख भी लग चुकी है। और जल्दी जल्दी से हम दर्शन करेंगे, उसके बाद हम बाबा जी का भंडारा खाएंगे। तो चलो वहाँ पे चलते हैं और लाइन पे लगते हैं। तो हनुमान जी के दर्शन हमने फाइनली कर लिए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शन हो गए हैं, और अब भीड़ थोड़ी बहुत लग रखी है वहाँ से और यहाँ तक भीड़ लग चुकी है। अंदर फोटो और वीडियो अलाउ नहीं है, तो मैं आपको अंदर फोटो वीडियो नहीं दिखा सकता था। बाकी अगर आपको भगवान जी के यानी कि हनुमान जी के दर्शन करने ना, तो आपको खुद यहाँ पे आना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे आने से ना आपके जो दुख दर्द होते हैं वो दूर हो जाते हैं, तो आपको एक बार यहाँ पे आना तो जरूर पड़ेगा। अगर आपको कुछ और ज़्यादा मांगना है हनुमान जी से, तो वहाँ पे अरदास पेटी है, वहाँ पे आप अपनी अरदास लिख के और उस पेटी में डाल सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे ये धागे होते हैं, ये धागे आपको प्रसाद के साथ साथ मिल जाएंगे, तो आप इन धागों को यहाँ पे बांध सकते हो। और देख सकते हो कि कितने सारे धागे यहाँ पे बांधे हुए हैं, तो आपकी जो भी मनोकामना होती है ना, कहते हैं कि
यहाँ पे आने से पूरी हो जाती है। तो जैसे ही आप हनुमान जी के दर्शन करके आते हो, वहाँ पर सामने है माँ दुर्गा का मंदिर और यहाँ पे सामने है महादेव का मंदिर। तो यहाँ पे आपको महादेव के दर्शन भी हो जाएंगे, माँ दुर्गा के दर्शन भी हो जाएंगे और हनुमान जी के आपको 9 रूपों के दर्शन यहाँ पे साक्षात होते हैं। अगर आप अंदर जाओगे ना तो आपको 9 रूपे के दर्शन यहाँ पे होने वाले हैं। यहाँ पे मेन यही है कि आपको ना 9 रूप जो होते हैं हनुमान जी के और उनकी लीलाएं जो होती है पूरे दर्शन होते हैं अंदर, इसलिए यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। नया साल खत्म होने से पहले ही हमने हनुमान जी के दर्शन कर लिए हैं, तो मेरा जो नया साल था ना बहुत ही अच्छी तरीके से बीतने वाला है। ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी के या फिर गणपति बाबा जी के दर्शन अगर आप कर लेते हो ना तो आपका जो नया साल है और नए काम होते हैं वो आपके अच्छे होने वाले हैं। अभी हम यहाँ पे खाने वाले हैं प्रसाद, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं तो प्रसाद खाए बगैर तो नहीं जाएंगे। ये है जी हमारा प्रसाद, चावल, सब्जी, दूसरी वाली सब्जी, पूड़ी और हलवा। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं यहाँ पे धूप में, क्योंकि धूप भी सेकनी थी और खाना भी खाना था, धूप सेकते सेकते हम यहाँ पे खाना खाने वाले हैं। खाना टेस्टी है। अभी हमने प्रसाद भी ग्रहण कर लिया है, प्रसाद पेड़ भर के खा लिया है। अभी मैं आपको थोड़ा सा ना यहाँ पे पार्क भी बता देता हूँ। यहाँ पे ना पार्क है, अगर आप खाना वाना लेके आते हो ना अपने घर से तो आप यहाँ पे खाना भी खा सकते हो। अगर आपको बाहर नहीं खाना, जैसे आप दर्शन करके नीचे आए तो यहाँ पे आपको सामने दिख जाएगा पार्क। यहाँ पे आप आराम से बैठ के अपनी फैमिली के साथ फोटोग्राफ्स क्लिक करवा सकते हो, साथ ही साथ आप खाना खा सकते हो, बहुत कुछ यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अभी हम पार्क की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे कि पार्क के बाहर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे है हनुमान जी की मूर्ति और सामने है भोलेनाथ की मूर्ति। तो हनुमान जी और भोलेनाथ दोनों आसपास हैं। अब हम अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं कि क्या हो रहा है। अंदर एक्चुअली कुछ ज्यादा हो नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो लोग बैठे हुए हैं, आसन कर रहे हैं, यहाँ पे आराम से पूरी फैमिलीज वगैरह बैठी हुई है। मतलब यहाँ पे पूरा ना जो है कि बैठने के लिए है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो और अपना फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हो। चलो मैं आपको अब शॉप दिखाता हूँ, यहाँ पे कितनी शॉप्स हैं, दुकान यहाँ पे कितनी बहुत सारी हैं। तो सबसे पहले अगर हम इधर को अंदर को जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको बहुत सारी रावत की दुकान मिलने वाली है। यहाँ पे भी दुकान है, ये पूरी जो दुकानें हैं ये प्रसाद की दुकानें हैं। यहाँ पे बहुत सारी, यहाँ पे अगर आपको खाना पीना खाना है तो खाना पीना खा सकते हो। इधर भी दुकान है खाने पीने की। आगे यहाँ पे आपको प्रसाद वगैरह मिल जाएगा दोनों तरफ। मतलब दुकानें यहाँ पे बहुत सारी है, अगर खाना खाना है तो खाना और प्रसाद वसाद लेना है तो प्रसाद वसाद। तो अभी हम जा रहे हैं अपने घर, क्योंकि शाम को हमें ना पार्टी की तैयारी भी करनी है, तो जल्दी जल्दी जाना है। अभी शेविंग वगैरह भी करनी है क्योंकि होटल में जाना है। तो अभी हम चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। शाम की जो वीडियो होगी वो स्पेशली आपके लिए फैमिली वाला ब्लॉग आने वाला है, क्योंकि मैं वो ब्लॉग फैमिली के साथ शूट करने वाला। तो अभी मुझे क्या करना है कि जल्दी जल्दी से घर जाना है और वीडियो जल्दी एडिट करनी है और उसके बाद मैं शायद इस वीडियो को अपलोड करूँ। तो यहाँ पे एक्चुअली नेट वगैरह का इशू होगा तो पता नहीं ये वीडियो कब अपलोड होगी, बट कोशिश करूँगा कि आज ये वीडियो मैं डालूँ और कल मैं आपको दूसरी वाली वीडियो दिखाऊं और परसों मैं शायद आपको तीसरी वाली वीडियो दिखाऊं। तो न्यू ईयर की वीडियो जो है कि लगातार आने वाली है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं। अब मिलते हैं हम आपको नाइट वाली वीडियो में, पूरा फैमिली ब्लॉग में। तब तक के लिए जी बाय बाय। इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करें हनुमान जी के नाम पे, उस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।